नमस्कार, जय जोहार साथियों। आज मैं आपको एक बड़ी ही बेहतरीन और रोचक समारोह के बारे में बताने जा रहा हूं। ये समारोह हैदरगढ़ के एक कस्बे में मनाया गया। और साथ ही यह रोचक क्यों है, क्योंकि यह पेरियार ललई सिंह यादव जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह समारोह किया गया। और इसमें सबसे बड़ी जो विविधता रही कि इसका मंच संचालन का काम तिवारी जी ने किया, यानी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नहीं तो उनकी जो जाति विशेष के लोग हैं उनके दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस कार्यक्रम का मंच संचालन जो है तिवारी जी ने किया। और दूसरी बड़ी बात, उस कार्यक्रम में बड़े बड़े भगवताचार्य मंचासीन थे, यानी कि उसमें साधु संत भी मंचों पर मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए थे। और एक बड़े भगवताचार्य जो समाज में स्थापित हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, शास्त्री जी हैं, और वह भी मंच पर बैठे हुए पेरियार ललई सिंह यादव जी के जन्म को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो साथियों, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, आखिर ये कैसे हो गया। तो साथियों, ये मैं बता दूं, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिराम यादव जी, जो हमारे गुरु भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं, उन्होंने बड़ा भव्य कार्यक्रम किया था हैदरगढ़ में। और उसी कार्यक्रम में ये सारे के सारे उपस्थित रहे। और यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है, पूर्व सांसद भी उस कार्यक्रम में थे और पदेन एमएलसी भी उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभा रहे थे। लेकिन मजेदार बात ये थी कि इस कार्यक्रम में कि जो मंच संचालन का काम था वो तिवारी जी के हाथ था और मुख्य अतिथि बड़े बड़े संत साधु थे। तो साथियों, मैं आपको बता के नहीं, दिखा के बता, उसके बाद बात करूंगा, क्योंकि आंखों पर जब आप देखोगे तब विश्वास होगा। आइए चलते हैं हैदरगढ़ के उस कार्यक्रम में। ऐसा विलक्षण अवसर शायद ही आपको देखने को मिले। ये आप सभी को जानकारी है कि यह हैदरगढ़ में पेरियार ललई सिंह यादव जी के जन्म दिवस का समारोह है। और इस समारोह में आप देख सकते हैं कि जो मंच संचालक हैं वह पवन तिवारी जी हैं। और आप सभी हतप्रभ रह जाएंगे कि पेरियार ललई सिंह यादव जी के जन्म दिवस समारोह पर, जहां आप जानते हैं कि सच्ची रामायण आज भी पढ़ने पढ़ाने से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन आप कार्यक्रम में देख रहे हैं संतों का भी जमावड़ा है। हमारे देश के संत भी पेरियार ललई सिंह यादव के जन्मदिन पर पहुँचे हैं। और आप सभी देख सकते हैं, बड़े बड़े भगवत कथा शास्त्री भी इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं और भाग ले रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी बाराबंकी के वह भी मौजूद हैं। और साथ में यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि एक बड़ा जनसैलाब पेरियार ललई सिंह यादव जी का जन्मदिवस मनाने के लिए काफ़ी संख्या में पहुँचा है। और यह ऐसा अवसर शायद ही हमारे नज़दीक या आसपास देखने को मिले। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि ये वो अवसर है, ये वो संगम है कि इस पेरियार ललई सिंह यादव जी के जन्म दिवस पर जिस तरह से लोगों का ध्यानाकर्षण हुआ है, यह अपने आप में बखूबी एक अद्भुत, या यूं कहें कि ऐसा अवसर देखने को ना मिला है और ना मिलेगा, क्योंकि इसमें मंच संचालक तिवारी जी और पेरियार ललई सिंह यादव जी के जन्मदिन पर यहाँ पर उपस्थित संतों की ये भीड़, आपको लग रहा होगा वाकई हमारा देश बदल रहा है। और वह दिन नहीं दूर जब अंधविश्वास और पाखंड हमारे देश से भागेगा। मजबूती से लड़े रखने वाले, समाज के लिए लड़ने वाले इस कार्यक्रम के आयोजक, हम सबके अभिभावक,
आदरणीय हरिराम यादव जी, नरेश चंद यादव जी, आदरणीय श्रीमती मीना जी, जिला पंचायत हमारी बहन क्रांतिकारी जी सोनी यादव जी, बारामती जनपद ही नहीं बल्कि आस पास के जनपदों में समाज के लिए समाज सुधारक के रूप में काम करने वाले कथावाचक आदरणीय गुरु रामकरण जी, गुरु जी सिपाही राज यादव जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य जी आदरणीय दिनेश शर्मा जी, भाई पप्पू जी, गुरु जी आदरणीय दालमणि यादव जी, गुरुचरण वर्मा जी, नरसिंह दास जी, श्यामचरण यादव जी, हीराबाई यादव जी, राजेंद्र कुमार यादव जी, ओम प्रकाश जी, गुजरात प्रतापगढ़ से विक्रम सिंह जी, केसर रखा जी, राम कुमार जी, सभी सम्मानित जितने लोग हैं सबको नाम से बहुत बहुत जानता हूँ कि हम सभी सम्मानित आए हुए इस ऐसा करके कोई कोई से मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय हरिराम यादव जी को, जो पेरियार लड़ाई सिंह यादव जी की जयंती मनाते हैं। राजनीतिक दल हमेशा ऐसे जिन्होंने जीवन भर कठोर पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, सामाजिक परिवर्तन के महानायक, पाखंडवाद के विरोधी और पाखंडवाद के खिलाफ विद्रोही चेतना के विरोधी, एक विरोधी नहीं बहुत मजबूती के साथ विरोध करने वाले सच्ची रामायण के अनुवादक, उत्तर भारत के पेरियार जय सिंह यादव जी की जयंती पर मैं संसद नाम करता हूँ और प्रकृति से ये कामना करता हूँ कि कम से कम जितने लोग आए हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि पूरे, लेकिन जितने लोग आए हैं क्या ये लोग भी उनके विचारों पर, उनके बताए हुए रास्तों पर या उनके द्वारा लिखी हुई किताबों पर अपने जीवन में क्या उनको उतारने की शक्ति रखते हो, वो विचारों पर आप लोग सहमति देना हाथ उठा करके आए नाम को भरोसा दिलाइए कि हम हैं, इसलिए आएंगे क्योंकि अमूल होता ये है कि हम अपने महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि को मनाते हैं, लेकिन उनके विचारों पर उतरना बहुत बड़ी चुनौती है। उसका ज्वलंत उदाहरण मैं देता हूँ, भाई लोकसभा का चुनाव चल रहा था और मैं मैनपुरी में 2 महीने से आदरणीय केशव यादव जी का चुनाव का एक प्रभारी था। मैं 2 महीना अपने जीवन आप बढ़िए पूजनीय अपने मैं कह रहा हूँ कि आप इसको मत मानिए, किताब का रही है किसी उसको मत मानिए, आप उसको पढ़िए समझिए जानिए तो फिर उसको मानिए। तथागत के चरणों में नमन करते हुए पेरियार ललई जी जो कि सामाजिक न्याय और पाखंड के बहुत बड़े योगदान है, अगर पाखंड विरोध की बात होगी तो सबसे पहले पेरियार रामास्वामी नायकर का नाम लिया जाएगा, उसके बाद उसकी किताब रामायण का टू इंच का हिंदी में अनुवाद सच्ची रामायण पेरियार ललई जी ने किया था और इस किताब को छापने के लिए उन्होंने अपना 59 बीघा खेत बेचा, उसके बाद एक फिर उसकी स्थापना की अशोका से, उसने उस किताब को छापा जो किताब छपी 1979 में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे चंद्र भानु गुप्ता, उनकी सरकार ने उस किताब पर बैन लगाया। ललई सिंह के वकील हरिराम यादव जी थे, उन्होंने मोशन सर्वी करते हुए उस किताब को हाईकोर्ट से जब्ती से मुक्त कराया और 6 करोड़ जुर्माना के बाद उस किताब को मार्केट में आने दिया, लेकिन सरकार उसके बाद भी सामने बैठी और वो चली गई सुप्रीम कोर्ट।
मुसलमान भाई अली अतिशय से प्रिय भगवती, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखा और 600 रुपए जुर्माने के साथ ही उस किताब को बाजार में बिक्री के लिए आदेश दिया। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार मंचों पर साधु सन्यासी बैठे हैं, भगवताचार्य बैठे हैं और तिवारी जी मंच संचालन कर रहे हैं। और साथ में मैं अब आपको दूसरे कार्यक्रम की तरफ ले चलता हूं, जहां पर पेरियार जी के ऊपर हमारे समाज में कितने ऐसे लोग हैं, लेखक हैं, जो पेरियार जी को अपने हृदय और अपने रोम रोम में बसाए हैं। चलिए मैं आपको एक ऐसे ही कार्यक्रम में ले चलता हूं, जिस गांव का नाम है जालिम खेड़ा। लखनऊ के अंतर्गत आता है ये जालिम खेड़ा, और जालिम खेड़ा में भी मैं उस परिवार का बहुत बड़ा आभारी हूं जिसने पेरियार ललई सिंह के विचारों को जन्म दिया उस गांव में, जहां पर यादवों ने बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं, अब आपको थोड़ा सा वहां के जो जैसे बोले कविताओं वाला समा था कि जो कुछ दिया है मेरे ललई जी ने, उस कविता पे ले चलते हैं और वहाँ के बारे में आप देखिए कि कृष्ण कुमार जी ने जालिम खेड़ा में किस तरह से पेरियार ललई सिंह के यादों को, विचारों को पोषित किया है, यानी कि एक जो बरगद का बीज है वहाँ पर डाला है पेरियार ललई जी के विचारों का। आइए चलते हैं जालिम खेड़ा। मेरे ललई सिंह ने जो दे दिया है, मेरे ललई सिंह ने कि तू जा कोई भी दे ना सकेगा, जो दे दिया है मेरे ललई सिंह ने, मेरे ललई सिंह ने वो तू जा कोई भी ललई सुमरा हम पे एहसान है, हम पे एहसान है किया मेहरबान है, आज भी है और कल भी रहेगा। ललई सुमरा हम पे इतना एहसान है, इतना एहसान है आज भी है और कल भी रहेगा। साथियों कड़ी है आप लेगा, तुमने तो ललई गिरते को उठाया, तुमने तो ललई गिरते को उठाया, जाति धर्म को तूने जड़ से मिटाया, तुमने तो ललई गिरते को उठाया, जाति धर्म को तूने जड़ से मिटाया, बहुत बड़ा हम पे किया एहसान है, किया एहसान है आज भी है और कल भी रहेगा। और नहीं कोई ऊंचा है, ललई सिंह कह रहे हैं, और नहीं कोई ऊंचा है नहीं कोई नीचा, नहीं कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा, मगर हमको नीचा बताया हमेशा, नहीं कोई ऊंचा है नहीं कोई नीचा है, मगर हमको नीचा बताया हमेशा। नहीं अब देखिए जात की बात आई है, और नहीं कोई जात है नहीं कोई धर्म है, नहीं कोई जात है, जात अगर होती है तो जानवर में होती, साथियों मनुष्य में जात नहीं होती, क्योंकि हमारा कौन ऊंची जात भी कर सकता है, ऊंची जात कौन नीची जात, तो हम जात कहाँ हुए, हम भी ऊंचे हुए, इसका मतलब हम लोग जात पात में बंधे गलत तरीके से। हाँ, और नहीं कोई जात है नहीं कोई धर्म है, लेकिन क्या धर्म में फसाया हमें, साथियों जात धर्म के नाम से हमेशा जो है हम लुट रहे हैं, और मानव जात है, मानव ही जात है, मानव का धर्म है,
मानो ही जाति है, मानवता धर्म है। ललई सिंह ने हमको सिखाया हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से हमारे समाज में अब हमारे महापुरुषों को महत्व दिया जाने लगा है। यानी वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में अंधविश्वास और पाखंड का सफाया होगा और आप सभी उसके भागीदार होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए संपर्क करें, और जो भी ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन मनाता है यदि लखनऊ के आसपास में है तो मैं अवश्य पहुंचूंगा और हमारी पूरी की पूरी टीम पहुंचेगी वहां पर ऐसे कार्यक्रमों को संचालित और उसकी देखरेख करने के लिए। और साथियों, एक बात मैं और भी बता दे रहा हूं कि हम एक बहुत बड़ा मेला दो दिवसीय लगा रहे हैं 25-26 नवंबर को संविधान मेला के नाम से यहीं लखनऊ में, और मैं जल्द ही इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा जिससे आप सभी उस कार्यक्रम में भागीदारी भी निभा सकें। तो इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जवाहर।